उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में राजकीय पॉलिटेक्निक छात्रावास में रह रहे अंतवासी छात्र छात्राएं नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। प्रदेश सरकार भले ही सुविधाओं के नाम पर अपने खजाने से हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती हो, लेकिन कौशाम्बी के इस छात्रावास में हालत ऐसे है कि चारों तरफ फैली भीषण गंदगी व बिजली और पानी की घोर समस्याओं से छात्र छात्राएं जूझ रहे हैं। प्रिंसिपल के तानाशाही से नाराज आज छात्रावास के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल कौशाम्बी के टेवा गांव में स्थित महात्मा ज्योति फुले बाई राजकीय पॉलिटेक्निक छात्रावास में आज छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा काटा। अंतवासी छात्र छात्राओं का सीधा आरोप है कि सरकारी सुविधा शुल्क जमा किए जाने के बाद भी उन्हें छात्रावास में जरूरत की सुविधाएं नसीब नहीं होती है। पिछले दो माह से बिना बिजली के छात्र छात्राएं कैंडल जलाकर पढ़ाई करने पर मजबूर है। इतना ही नहीं, छात्रावास में लगा हुआ हैंडपंप भी खराब है। ऐसे में उन्हें छात्रावास से 500 मीटर दूरी जाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। छात्रावास में चारों तरफ फैली भीषण गंदगी के चलते आए दिन लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ तक कि उपयोग में लाने वाले राशन में भी कीड़े चल रहे हैं। वहीं छात्रावास के छात्र छात्राओं का तो यह भी आरोप है कि छात्रावास में देर शाम शराबियों का भी जमावाड़ा लगता है, जो खुलेआम शराब और बियर का सेवन कर छात्रावास में जमकर उत्पात मचाते हैं। ऐसे में महिला छात्रावास के छात्राएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। उनका यह भी कहना है कि जब वह अपनी मांगों को लेकर प्रिंसिपल के तानाशाही का विरोध करते हैं तो उन्हें छात्रावास से नाम काट कर निकालने की धमकी दी जाती है। ऐसा भी नहीं कि इस पूरे मामले की खबर जिले के जिम्मेदारों को नहीं है, उन्हें भी छात्राओं द्वारा फोन कर समय समय अवगत कराया जाता है, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। छात्र छात्राओं ने मीडिया के कैमरे पर अपना दुखड़ा सुनाते हुए उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। पानी की समस्या तो निश्चित रूप से है, बल्कि पानी का बिजली समस्या है, इससे पानी की समस्या भी जुड़ी है। जो पानी की व्यवस्था थोड़ी बहुत आ रही है, मतलब कि जो वो अपना अपना ले आ रहे हैं, बाहर से जो है मंगाया जा रहा है, उससे काम चल रहा थोड़ा बहुत। यहाँ लाइट जो है रूरल फीडर से जुड़ी हुई है, जिसके कारण जो है अक्सर करके ये खराब रहती है, कोई टाइम तो आती ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं। उस कारण से जो है जब भी खराब होती तो ये दिक्कत आती है। पिछले साल हालांकि मैं नहीं था, छात्रों ने बताया कि एग्जाम के टाइम में यह चार पांच दिन यह दिक्कत अच्छा महिला छात्रावास में रह रहे, जहाँ पे ना लाइट आ रही ना पानी आ रहा, और ये आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा से प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक बार बारिश हो जाए, एक बार आंधी आ जाए, तो लाइट पानी हफ्तों बढ़ती चली जाती। एक इंसान की लिमिट होती है कोई चीज सहन करने की। हम लोग साल भर हो गया सहन करते करते, आज हम लोग आवाज उठाए तो हम लोग को ये कह के टाल दिया जा रहा है कि तुम लोग का सेशनल काट दिया जाएगा, तुम लोग को निकाल दिया जाएगा, तुम लोग को हाईलाइट कर दिया जाएगा। आखिर कब तक इंसान चुप रहे यार, कभी ना कभी तो बोलेगा। हम लोग यहाँ पे एसडीएम को कॉल कर रहे कि आप आके मिलो, वो भी नहीं मिलना चाह रहे। हम लोग करे तो करे क्या, हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती, बैक लगती है, तो हम लोग को ये बोला जाता है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, या हम लोग को फिर ब्लेम किया जाता है कि हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं है। 25-25 दिन तक हम लोग बिना लाइट के कैंडल जला के पढ़ रहे हैं, ये कोई पढ़ाई होती है? हम लोग फीस दे रहे 2300 रुपए, 1500 रुपए मंथली फीस दे रहे हैं, हम लोग को कुछ तो सुविधा दी जानी चाहिए। तो सर आज दो महीना, सर पिछले साल भी हमारा सर हुआ, हमने प्रिंसिपल से पिछले बार भी शिकायत की, सर कुछ नहीं हुआ। इस बार भी सर दो महीने से लगातार ना लाइट आ रही है ना कुछ, और सर हर एक टीचर की, एचओडी की, प्रिंसिपल की कैबिन में फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, और सर पूछने पता जा रहा है कि इन्वर्टर है। तो सर इन्वर्टर है तो वो चार्ज कहाँ से हो रहा है? दरअसल जब लाइट नहीं आ रही तो चार्ज कैसे हो रहा है? नहीं होती ना ही पानी बदला जाता है, एकदम गंदा पानी होता है। इसकी कई बार सूचना दी गई प्रधानाचार्य को, पर किसी तरह कोई एक्शन नहीं लिया गया। और यहाँ का पानी पी के बहुत बार बच्चे बीमार भी हो चुके हैं, मगर अभी तक प्रशासन ने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है। और कॉलेज पॉलिटेक्निक एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर ना ही लाइट की सुविधा है। बच्चों को पानी पीना होता तो यहाँ से कम 500 मीटर दूर जाते हैं तब उन्हें पानी मिलता है। ना ही यहाँ पानी की सुविधा है, ना ही बिजली की सुविधा है, ना ही बच्चों को किसी तरह देखा जाता है, ना ही ईडी की। मैं इलेक्ट्रिकल का खुद का छात्र हूँ, ना ही मेरे में ईडी क्लास चलती है, ना ही फिजिक्स की क्लास चलती है। मतलब पढ़ाई के नाम पे एकदम धकोसला है यहाँ पे, किसी तरह का कोई भी काम नहीं हो रहा है।